हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जो कि हमारा जेबी का सेकेंड पेपर होता है उसी की मॉक टेस्ट का पार्ट टू हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट वन बताया जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, न्यूमेरिकल्स देखे हैं। आज के पार्ट टू में हम आगे वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी हैड फोरफिटेड 1000 शेयर्स। ये जो वर्ड लिखा हुआ है फोरफिटेड, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। जब्त कर लेना मतलब कंपनी ने कोई शेयर्स अलॉट किए थे और लोगों ने, आपको मालूम होगा, थोड़ा सा मैं बेसिक भी बताती हूँ कि शेयर्स जब कंपनी कोई अलॉट करती है तो वो एक बार में नहीं, पहले वो आपसे कुछ एप्लीकेशन का फीस मांगती है, फिर अलॉटमेंट में कुछ पैसा मांग लेती है, फिर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, डिपेंड करता है कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन का मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, और आपने जितने भी शेयर लिए तो बोले कि एप्लीकेशन के टाइम पे आप 10 में से 2 रुपये दे दो, अलॉटमेंट के टाइम पे आप 3 रुपये, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 4 रुपये, या जितना भी आपको ठीक लगे, या 1 रुपये। कितना हो गया, 3 और 2 5 4 9 10। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरा आपको जो शेयर का पैसा है वो आपसे मांग लेती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे तो वो लोग अपना पे कर देते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे भी पे कर देते हैं, या फर्स्ट कॉल के टाइम पे नहीं करते, या सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे करेंगे लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे आगे की कॉल्स को पे नहीं करते। कॉल्स मतलब कंपनी बोल रही है पैसा दो और आप उनको पैसा दे रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपनी कॉलिंग। ठीक है, ये वर्ड ऐसा इसमें रहता है, तो उसी को कंपनी फोरफिट कर लेती। फोरफिट मतलब जिन्होंने जो पेमेंट दे दी, मान लीजिए आपने लिए थे 1000 शेयर कंपनी के और 1000 शेयर्स में से आपने सिर्फ 2 रुपये पे किया। ठीक है, तो 1000 शेयर्स का आपने 2 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे किया तो कितना हो गया, 2000 रुपये ना, ये हो गया आपके 2000 रुपये। अगली बार कंपनी ने आपको कॉल किया, ठीक है, आपको मेल भेजा जैसे भी, तो आपको बोला अलॉटमेंट का 3 रुपये दे दो, इस बार भी आपने क्या किया, अलॉटमेंट का 3 रुपये दे दिया। या ऐसे भी होता है कि मान लीजिए इस बार आपने पैसा दिया ही नहीं, फिर आपको फर्स्ट कॉल आई, इस बार भी पैसा दिया नहीं, तो कंपनी अनाउंस कर देगी कि आपके जो शेयर हैं वो फोरफिट हो गए। फोरफिट मतलब अब ना आपको शेयर मिलेंगे, ना आपने जो 2000 एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे दिए वो मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपने बोला कि मैं शेयर लेना चाह रहा हूँ लेकिन आपने कुछ कॉल्स तो पे की लेकिन आगे की कॉल्स पे नहीं की। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया और अलॉटमेंट फर्स्ट सेकेंड का पैसा पे नहीं किया। ठीक है, तो वो जो पैसा होता है, वो जो जैसे 2000 रुपये जो आ गए थे ना सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम का, तो वो जो 2000 रुपये आ गए थे उसको कंपनी कर लेती है क्या, फोरफिट। इसीलिए जो वर्ड है यहाँ पे आपको फोरफिट लिखा हुआ है। और अगर इसका आपको और भी डिटेल जानना है इस चैप्टर का, ये आपका कंपनी अकाउंट आपका चैप्टर नंबर 17 है शायद अकाउंट्स में, तो कंपनी अकाउंट पार्ट वन में इसे बताया है। और आपकी जो मैकमिलन बुक है उससे मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से कराया है, मुझे लगता है शायद 10 पार्ट इसके बने हुए हैं इस चैप्टर 17 के। तो वहाँ पे आपकी जो मैकमिलन बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं मैंने सारे बताए हैं। और जब मैं एग्जांपल्स बताती थी तो आपने देखा कि एग्जांपल्स बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि एक एग्जांपल 2-3 पेज का ऐसे आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में दिया है। तो मुझे बहुत से कमेंट्स आते थे बैंकर्स की कि एग्जाम में तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आते हैं, तो 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो इतने बड़े क्वेश्चन में से कैसे पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने ये मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन, आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन बुक में दिए उसमें से एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, हमारे अकाउंटिंग वाला जो सेकेंड एग्जाम है जेईई का उसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पे, तो जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। चलिए, और अगर आप वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो शायद आपको डायरेक्ट समझ में इतने अच्छे से नहीं आए, तो पहले मैंने जो भी आपका अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस आपके मैकमिलन बुक से ABCD चारों मॉड्यूल एक एक चैप्टर अच्छे से बताया मैंने, हो सके तो एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट पे आए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, और बाकी थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन के साथ साथ भी बताती चलूँगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको ये थोड़ा बहुत बताया है। चलिए, अभी कंपनी के जो 1000 शेयर है वो फोरफिट कर लिए गए हैं। अभी मैंने आपको रीज़न भी बताया कि कंपनी फोरफिट क्यों करती है। ठीक है, अगर कुछ कॉल्स पे लोग पैसा दें और कुछ पे पेमेंट करना बंद कर दे तो उनकी जो पहले के जो पैसे होते हैं उसको कंपनी फोरफिट कर लेती है, और फोरफिट करने के बाद वो पैसा पता है कौन से अकाउंट में जाता है, वो जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें कि मैंने चैप्टर में भी आपको बताया है। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व करके कंपनी का अकाउंट होता है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल रहती है ना कंपनी की, जब आप बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाते हैं तो उसी के नीचे ये कैपिटल रिजर्व करके अकाउंट रहता है, तो वहाँ पे ये पैसा चला जाता है। ठीक है, ये पैसा वहीं जाता है। तो चलिए, 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए गए कंपनी के द्वारा, और फेस वैल्यू कितना था शेयर, 10 रुपये का, जैसे हमने बताया था ना 10 रुपीज़, तो मतलब एक शेयर 10 रुपये का है। ईच ऑन विच इट हैड रिसीव्ड
₹4 एज एप्लीकेशन मनी। तो वही बोला कि कंपनी ने ₹4 एप्लीकेशन मनी के तौर पे उसको मिल गए थे, इट हैड रिसीव, मतलब इसको पहले से मिल गए थे। द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। तो बाद में क्या किया गया कि जिनके शेयर्स जब्त कर लिए जाते हैं या फोरफिट कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, तो उन शेयर्स को बाकी लोगों को रीइशू किया जाता है। कई बार कंपनी इसको डिस्काउंट पे भी रीइशू करती है, डिस्काउंट मतलब ₹10 का शेयर बोलेगी ₹8 में ले जाओ, या कई बार जब कंपनी को लगता है कि हमारे शेयर की तो बहुत अच्छी डिमांड है, हम अगर इसको ज़्यादा रेट पे भी इशू करेंगे तो हर कोई खरीदने के लिए बहुत जल्दी रेडी रहेगा, उत्सुक रहेगा हमारे शेयर्स को लेने के लिए, तो वो प्रीमियम पे भी देती है। प्रीमियम मतलब जो भी उसका प्राइस है शेयर्स का, जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट बोलना, वो होता है प्रीमियम पे। ठीक है, तो इस कंपनी ने वही किया है कि ₹1 के प्रीमियम पे वो शेयर को रीशू किया। तो चलिए रीशू किया, और जो आपको मालूम है जो प्रीमियम का पैसा है वो अलग से एक अकाउंट में जाता है जिसको हम प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं। ये सब मैंने आपको आपके जो 10 पार्ट्स आपका चैप्टर नंबर 17 होगा मैंने आपको सब बताया। ठीक है, अगर आपको कुछ टर्म्स में थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो फिर आप वो वीडियोस देखिए वन बाई वन, बेसिक से लेके हार्ड टाइप के क्वेश्चन सब मैंने आपको बताया चैप्टर 17 के 10 पार्ट्स में, तो आप उसको देखिए प्लीज़। ठीक है, ये तो जस्ट मॉक क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिए कि यहीं पर आपको सब कुछ समझ में आ सकता है। तो उसको प्रीमियम अकाउंट पे वो जाता है हमारा जो भी ₹1 के हिसाब से आपके जो 10,000 शेयर थे ना, तो बोला व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट दैट वुड बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बोल रहा है जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, जिसको मैंने बोला था कि कैपिटल के नीचे एक अलग से अकाउंट रहता है कैपिटल रिजर्व करके, ठीक है, वहाँ पे ये पैसा जाएगा। तो बोल रहा है टोटल कितना पैसा वहाँ जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में जाता है तो उस पैसे को इंक्लूड करके बताइए टोटल कितना पैसा होगा। ठीक है, तो जो कंपनी ने फोरफिट किया तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कौन सा, जो कंपनी ने किया है फोरफिट। तो कितना किया, 1,000 शेयर कंपनी ने फोरफिट किए ना, ठीक है, तो 1,000 शेयर और कितने रुपए आ चुके थे आपके पास, ₹4 एप्लीकेशन मनी के तौर पे आ गए थे और फिर कंपनी ने फोरफिट कर लिया था। रीज़न क्या हो सकता है, अलॉटमेंट के टाइम पे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है, यही रीज़न हो सकता है। तो एज ऑन डेट अभी कंपनी को सिर्फ ₹4 रिसीव हुए थे, फिर बाद में कंपनी ने इसको रीशू कर दिया। तो रीशू से हमें कोई मतलब नहीं, रीशू करेगा वो पैसा अलग ही अपना कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाता है, वो अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि वो पैसा जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा आपको वो बताना है कितना होगा और प्रीमियम को इंक्लूड करके बताना है। ठीक है, तो 1,000 शेयर्स है, ठीक है, 1,000 शेयर्स को तो फोरफिट किया गया था ना, फिर बाद में रीशू किया था, तो रीशू के बाद की स्टोरी नहीं, हम पहले का देखेंगे कि पहले वाला पैसा कहाँ पे जाएगा। तो 1,000 शेयर और ₹4 कहाँ से आया, क्योंकि ₹4 एप्लीकेशन के तौर पे मिल चुके थे, फोरफिट मतलब जब्त कर लेना, जो पैसा आया उसी को तो आप वो जब्त कर सकते ना अपने पास। तो 1,000 × 4 ये हो गया हमारा 4,000। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फोरफिट वाले का पैसा। साथ में हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम का पूछा ना उन्होंने, प्रीमियम को इंक्लूड करके बताइए कितना हो गया टोटल, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ₹1 का प्रीमियम चार्ज किया था, मतलब 10 का शेयर ₹11 में। तो होता क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हम पैसे चार्ज करते हैं ना प्रीमियम के तौर पे, तो वो पैसा हमारा प्रीमियम अकाउंट में जाता है। तो उन्होंने वही बोला कि उसको ऐड करके बताओ कितना हो गया, मतलब कितना कंपनी ने एक्स्ट्रा कमाई किया, है ना, ये सब क्या, ये एक्स्ट्रा कमाई तो है, बाद में प्रीमियम का पैसा भी हमारा इधर ही कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, मतलब जो भी कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है ना वो इस कैपिटल रिजर्व में कंपनी डालती जाती है, यहाँ पे रखती जाती है। तो चलिए, प्रीमियम ₹1 एक शेयर पे कमाई की हमने एक्स्ट्रा उसका रेट बढ़ा के, और टोटल है 1,000 शेयर। ठीक है, क्योंकि 1,000 शेयर को तो रीशू किया गया था ना, तो सभी के सभी जो 1,000 शेयर है उस पर हमें ₹1 का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा प्रीमियम के तौर पर। तो कितना हो गया, 1 × 1,000, ये हो गया हमारा 1,000 ना, 1,000 × 1, तो ये प्रीमियम का हो गया और ये हो गया हमारा फोरफिट जो किया था। तो 4,000 हो गया, 1,000 को 4 से करेंगे 4,000, और ये हो गया 1,000। तो 4,000 + 1,000 कितना हो गया हमारा 5,000, यानी 5,000। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 5,000। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 2 मार्क्स का आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम में ना, ये जो आपका कंपनी अकाउंट मॉड्यूल सी का जो चैप्टर है ना, उसमें से जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, कम से कम 7-8 नंबर के इसी चैप्टर में से आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म, कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी होगी इफ इट्स असेट्स आर 3 लाख एंड कैपिटल इज 1 लाख, अगर कंपनी के असेट 3 लाख है और कैपिटल 1 लाख है। ये भी आपका मॉड्यूल सी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कंपनी अकाउंट आपका नॉट कंपनी अकाउंट, ये आपका अकाउंटिंग जो है उसी के मॉड्यूल सी का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट वाला। तो उसमें मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन थी असेट्स इज इक्वल टू, असेट किसके बराबर होते हैं, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज,
ठीक है, कंपनी का असेट लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये होते हमारे असेट, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, कैपिटल और लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आपका असेट आएगा। चलिए, तो इसमें सारी वैल्यूज आपको डायरेक्ट गिवन है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका एक नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें आपको मालूम होनी चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है असेट लाइबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। असेट्स क्या, कंपनी जिस चीज़ के मालिक है वो सब कंपनी का असेट हो गया, लाइबिलिटीज जो कंपनी को पे करनी है, कैपिटल कौन सा हो गया, ऑनर का पैसा भी कैपिटल हो गया, और हर साल जो प्रॉफिट हमारा कंपनी का होता है वो सब भी हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आपकी नेट वर्थ बताती है, कंपनी की कीमत कितनी वो कौन बताती है, कैपिटल बताती है, ठीक है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन हो गई। चलिए, इसी फॉर्मूले में हम जस्ट वैल्यूज रखेंगे, हमें आराम से अपनी लाइबिलिटीज मिल जाएगी। तो देखिए, 3 लाख का क्या था, असेट था ना, इस असेट 3 लाख, तो यहाँ आ गया 3 लाख। लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज है आपकी, कैपिटल आपका 1 लाख है, ठीक है, ये आपका कैपिटल रखा हुआ इन्होंने, तो बच कितना गया, कैपिटल इन्होंने यहाँ पर 1 लाख रखा है, और लाइबिलिटीज पूछा ना, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो 3 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज पूछा और कैपिटल 1 लाख है, तो 3 में से आप 1 माइनस करेंगे, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ के बदले क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे हो गया 2 लाख, ये होगी हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। ये बेसिक एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है, एट टाइम्स द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद हमें एरर्स का पता लगता है, ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, उसमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला है कि द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर, इस तरह का रेक्टिफिकेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आपका मॉड्यूल बी का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड्यूल बी आपका अकाउंटिंग का। तो बोला जब एरर बाद में डिटेक्ट होते हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, तो हमें उस केस में किसकी हेल्प लेनी होती है, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। इसका डिटेल मैंने आपको चैप्टर में बताया कि सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं, तो इसमें सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा 1 नंबर का कि कैसे किया जाता है, कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी केम आउट विद अ पब्लिक इशू ऑफ 250,000 शेयर्स। तो एक कंपनी ने पब्लिक में 250,000 शेयर इशू किए हैं ऑफ 100 ईच, यानी एक शेयर का कॉस्ट है 100 रुपये, एंड रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स, यानी ये जो कंपनी थी इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, कंपनी ने तो 2.5 लाख शेयर इशू किए लेकिन इसको एप्लीकेशन कितनी आ गई, 3 लाख शेयर्स की आ गई। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कोई कॉलेज है, वहाँ पे 2.5 लाख सीटें खाली हैं, वो कॉलेज का इतना अच्छा नाम है उस कॉलेज का कि सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि वहीं से ग्रेजुएशन करें, तो 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भर दी, ठीक है। और एप्लीकेशन में कैसे शेयर्स का होता है, मान लो कोई शेयर्स, जैसे इस केस में शेयर का कॉस्ट है 100 रुपये, तो अगर मान लो शेयर का कीमत है 100 रुपये, तो कंपनी कैसे कैसे पैसा वसूल करती है शेयर का, पूरा 100 रुपये वसूल नहीं बोलेंगे, कैसे मतलब लेती है, कैसे वो मांगती है, ठीक है। तो मान लो 100 रुपये का अगर शेयर है, तो फिर वो बोलेगी कि एप्लीकेशन के टाइम पर आप 10 रुपये दे दो। एप्लीकेशन के बाद सेकेंड नंबर पर आता है अलॉटमेंट, फिर कंपनी बोलेगी चलिए अलॉटमेंट के टाइम पर आप 20 रुपये दे दो। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, एप्लीकेशन का फ़ी पे करना और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में जिस जिसका इंटरेस्ट है, सभी लोग अपना एप्लीकेशन का पैसा भर के बोलते हैं कि हाँ हम कंपनी का शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो एप्लीकेशन का पैसा देते हैं। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ वही देंगे जिनको कन्फर्म्ड है 100% कि आपको शेयर मिल गए हैं, इसीलिए आप अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दे रहे हैं। एप्लीकेशन का पैसा जो आपने दिया है, तो इसमें आपका 50-50% चांस है, आपको शेयर मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट में 100% शेयर आपके हो गए। एक बार आपने एप्लीकेशन का पैसा भरा, मान लो आपको शेयर अलॉट हो गए, यानी शेयर आपको दे दिए गए हैं, तो आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये का शेयर है ना, तो 10 रुपये तो आप दे चुके, बाकी के 90 रुपये आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको बाकी की कॉल्स करेंगी, कौन, कंपनी, मतलब कॉल्स करके बोलेंगे कि चलिए 100 रुपये में से 10 रुपये तो आप एप्लीकेशन में दे दिए, 20 आप अलॉटमेंट में दे दो, फर्स्ट कॉल पर आप 40 रुपये दे दो, कितना हो गया 10 और 20 30 और 40 70 ना, बचे 30, तो बोलेगी चलिए सेकंड कॉल में 30 रुपये दे दो। तो कैसे पता लगता है कंपनी कितनी कॉल करेगी, डिपेंड करेगा कंपनी की पैसों की रिक्वायरमेंट कब है। अगर कंपनी को अभी पैसा चाहिए, तो चलिए 10 तो उन्होंने एप्लीकेशन में मांग लिए, पूरे के पूरे 90 रुपये अलॉटमेंट में भी मांग सकती है, उसके बाद फर्स्ट कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट ही आपका फाइनल हो गया ना, अलॉटमेंट में आपके 100 रुपये पूरे हो गए, क्योंकि 10 रुपये आपने एप्लीकेशन में पे किए और अलॉटमेंट में आपने 90 रुपये कंपनी ने आपसे मांग लिए। तो कंपनी अलॉटमेंट करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी, सेकंड कॉल करेगी, थर्ड कॉल करेगी, डिपेंड करेगा कंपनी को कब कब पैसे की ज़रूरत है,
जब उसको पैसा चाहिए होगा वो सबसे आपको कॉल करेगी और आपको सबसे पैसा देना होगा। तो एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट में बहुत फ़र्क है। मैंने आपको पहले बोला एप्लीकेशन का मतलब आप दिखाते कि हाँ हम आपकी कंपनी के शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं, और आप एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा देते हैं जितना कंपनी बोलती है कि एप्लीकेशन फ़ी 10 रुपये है या 20 रुपये है, जितना भी डिपेंड करता है वो कंपनी आपको बताएगी अपनी वेबसाइट पर, जैसे भी उसने आपको बताया कि हम शेयर दे रहे हैं। अलॉटमेंट में क्या है, कंपनी बोलती है चलिए आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, मतलब अभी 100% है कि ये शेयर अब आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको शेयर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अलॉटमेंट में आपका 100% शेयर आपका हो चुका है और आपको बोलती है चलिए आप अपनी सेकंड किश्त जो कि 20 रुपीज़ है या जैसा भी है वो पे कर दो, ठीक है, इसमें ऐसा चलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि कंपनी के पास तो बस 2.5 लाख शेयर थे, उन्होंने पब्लिक को बोला 2.5 लाख शेयर्स हमारे पास, 100 एक शेयर का कॉस्ट है, लेकिन इतनी अच्छी उसकी रेटिंग थी तो कंपनी ने 3 लाख, सॉरी लोगों ने 3 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी, ठीक है, 2.5 लाख शेयर से 3 लाख के लिए एप्लीकेशन भेज दी। अब कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को लोग एप्लीकेशन में ज़्यादा शेयर्स मांगते हैं और कंपनी के पास इतने शेयर्स होते ही नहीं है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन ऐसे रहता है कि मान लो जैसे ये 2.5 लाख है ना, तो बोलेगी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले के 2.5 लाख शेयर हैं उनको आप एक्सेप्ट कर लो, बाकी के जो 50,000 है उनको आप रिटर्न कर दो, उनका जो अलॉटमेंट का पैसा है, क्योंकि सबने 10-10 रुपये या 20-20 रुपये जो भी शेयर का रेट रहा होगा कंपनी ने जो बताया होगा कि इतना हमारा एप्लीकेशन का पैसा इतना है, वो भी कंपनी खुद ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो बोलेगी कि चलिए बाकी के जो 50,000 है उनको जो आपका पैसा है उनका एप्लीकेशन का वो आप उनको रिटर्न कर दो, रिफंड कर दो उनका पैसा, ठीक है। तो कंपनी ऐसे भी करती है, पर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कुछ और डिसाइड किया है। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो प्रो रेटा बेसिस अप्लाई करेंगे। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है, एक आदमी के पास मतलब मान लो कोई पर्सन ए है कोई बी है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अपना शेयर्स ले लेता है जितना इनको ठीक लगता है। शेयर्स क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो उनको लगता है कि चलो इस कंपनी की रेटिंग अच्छी है, ए सोचता है मैं 1,000 शेयर ले लेता हूँ उस कंपनी के, बी सोचता है मैं 5,000 शेयर ले लेता हूँ, सी सोचता है मैं 2,000 ले लेता हूँ। तो जितने जितने को जितने की ज़रूरत होगी, जितना उनको लगेगा कि ठीक है यहाँ इन्वेस्टमेंट करना इतने शेयर्स पे ठीक रहेगा, इतना हम शेयर लेना चाहते हैं, तो वो सबसे अपनी एप्लीकेशन का पैसा भर देते हैं। तो प्रो रेटा का मतलब है जिन्होंने 1,000 के लिए मांगा, जिन्होंने 1,000 शेयर मांगे उनको हम 800 दे देंगे, या जिन्होंने 5,000 मांगे उनको हम 4,000 दे देंगे। अब ये एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा कितनों ने कितने शेयर्स मांगे और उनको आप कितने दोगे, कुल मिला के आप क्या करोगे, जो लोग प्रो रेटा मतलब लोगों ने ज़्यादा शेयर्स मांगे आप उनको कम दो, पर आप लौटा किसी को नहीं रहे। एक तो यहाँ पे था कि वो बाकी के लास्ट के 50,000 को बोल देते कि चलिए आगे के हमने 2.5 लाख शेयर्स वालों को दे दिया है, अलॉट कर दिया, अभी आपका पैसा रिफंड हो जाएगा एप्लीकेशन। पर कई बार कंपनी के पास एक ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 2 है प्रो रेटा। प्रो रेटा मतलब आपने जितने मांगे उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर ना, हम किसी को नहीं बोलेंगे, सबको मिलेगा कुछ ना कुछ शेयर सबके हाथ में आएगा, लेकिन जितनी आपने डिमांड की है हमारे पास उतनी ही ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उतने शेयर्स हमारे पास नहीं है, डिमांड आपकी ज़्यादा हमारे पास सप्लाई कम है शेयर्स का, तो हम एक काम कर सकते हैं कि जिन्होंने 10 मांगा उनको 8 दे देंगे, जिन्होंने 20 मांगा उनको 18 दे देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो रेशो है जितना मांगा और कितना हम दे रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि कितनी कितने शेयर्स की लोगों ने डिमांड की है, ठीक है, याद रखना कितने शेयर्स के लोगों ने डिमांड की और कितना हमारे पास सप्लाई है, यानी कितने शेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। कितनी डिमांड की, देखिए 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो 3 लाख की डिमांड की है, तो 3 लाख लोगों ने मांगा है, लेकिन आपके पास कितना है, आपके पास सिर्फ 2.5 लाख शेयर है, तो 3 लाख के बदले हो गया 2.5 लाख। आप लोग 6th 7th 8th क्लास में बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि 10 रुपये की है 20 टॉफ़ीज़, 10 रुपये की है 20 टॉफ़ीज़, तो 40 रुपये की या मान लो 50 रुपये की कितनी टॉफ़ीज़ होगी, ये हम 10th क्लास में करते थे ना, 10th 7th 8th सभी में था ये हमारा मैथ्स का, 10 रुपये की 20 टॉफ़ीज़, और 50 की कैसे होगी, हम क्या करते थे, एक तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय ये 10 रुपये ना, सेम यही वाला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि 3 शेयर्स तो हमारे पास अवेलेबल है, 3 लाख आपने डिमांड की हमारे पास है 2.5 लाख। अभी आपको पूछा है कि एक्स ने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसको कितना मिला होगा ना, एक्स ने कितना अप्लाई किया था 200, तो पूछा है हाउ मेनी शेयर्स विल बी गेट, मतलब जो एक्स है जिसने 200 शेयर के लिए अप्लाई किया, और कंपनी का सिस्टम है प्रोरेटा। प्रोरेटा क्यों लगाया, क्योंकि 3 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया लेकिन शेयर सिर्फ 2.5 लाख थे, तो यानी जिसने 3 मांगा होगा शेयर उसको 2.5 शेयर मिलेगा, ठीक है, 3 मांगा है तो आपको 2.5 शेयर दिया जाएगा, इस तरह से 3 मांगा है तो 2.5 मिलेगा, मांगा कितना है, अगर 200 मांगा है किसने, एक्स ने, तो 200 मांगा है तो कितना मिलेगा, 3 मांगा है तो 2.5 शेयर दिया जाएगा, अगर 200 मांगा है तो कितना दिया जाएगा, ये 2.5 शेयर नहीं, ये एक रेशो है, मतलब 3 के बदले 2.5 हो गया, 3 के बदले 2.5 हो गया, तो 200 के बदले क्या हो गया, तो सेम वही जो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ये बताया था ना टॉफीज़ वाला एग्जांपल, वही से तो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई, सेम देखो यहाँ पे लिखा भी मैंने 2.5 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसका अगला स्टेप आपका यहाँ पे है,
चलिए 250 को आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 3। 500 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 166.66, उससे ज़्यादा रहेगा। शेयर्स तो हमें एक नंबर में दिखाना है ना, एक शेयर दो शेयर ऐसा करके हमें दिखाना है, तो 166.6। तो नेक्स्ट जो भी राउंड ऑफ फिगर आपको उसमें देना है तो 166.66 होगा 167। तो यानी कि 167 शेयर दिए जाएंगे किसको, मिस्टर एक्स को, जिसने 200 शेयर की डिमांड की है तो उसको हम देंगे 167। ठीक है, तो प्रोडेटा में क्या होता है, किसी को मना नहीं होती, लेकिन आपने अगर ज़्यादा मांगा है तो आपको भी मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। जैसा इसने 200 मांगा उसको दिया कितना गया, सिर्फ 167। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह पूछ सकते हो, डेफिनेटली दो दो नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का याद रखिए, चैप्टर नंबर 17 जो कि आपका कंपनी अकाउंट पार्ट 1 है, अकाउंट्स का मॉड्यूल सी उसका ही है। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने आपको इसके 10 पार्ट्स बताए और वहाँ मैंने आपको पूरा डिटेल दिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है प्रोडेटा क्या है, इसकी एंट्रीज कैसे है, वो सब आप उस वीडियोज़ को देख के आप ये समझ सकते हैं। ये सब मैं इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि बुक में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे तो कई लोग कन्फ्यूजन में थे, इतने बड़े बड़े 3-3 पेज के क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे हमारे जेबी एग्जाम में, जिसमें मैक्सिमम 2 नंबर होते हैं। आपको मालूम है जेबी में हाफ नंबर, हाफ मार्क्स के, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इतने बड़े बड़े 10-10, 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे फ्रेम होगा। तो इसी तरह से आपको छोटी एंट्रीज बना के पूछी जाती है। ठीक है, ये कौन कितने शेयर लगा, इस तरह की छोटी एंट्रीज का कंसेप्ट इसमें रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द प्रोसेस अंडर विच, कौन सा प्रोसेस जिसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट कैश फ्लो इज डिटरमाइंड। मतलब अभी जो आपके पास कैश फ्लो हो रही है उसका फ्यूचर वैल्यू आपको बताना है। एग्जाम्पल, आपका घर है, ये आपका घर है, इसकी कीमत है 50 लाख का, अभी आपको जानना है फ्यूचर, मतलब 50 साल बाद, या मान लीजिए 20 साल बाद, 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद आपके इस घर की कीमत कितनी होगी। ठीक है, ये घर कितने का होगा, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, कितने का होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू को, प्रेजेंट जो कैश फ्लो है उससे हमें फ्यूचर कैश फ्लो को सॉल्व करना, वो होता है हमारा कंपाउंडिंग। ठीक है, वही लिखा ना, द प्रोसेस अंडर विच फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट कैश फ्लो इज डिटरमाइंड। मतलब प्रेजेंटली आपको कुछ कैश फ्लो मिल रहा है, मान लीजिए कुछ पैसे आपके पास आ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं उसका फ्यूचर में कितना वैल्यू रहेगा। मान लीजिए अभी कोई आपको, आपने अपना कुछ पैसा था वो इंटरेस्ट पे बैंक में चढ़ा रखा, हर महीने आपको इंटरेस्ट के तौर पर मान लो 5-5 हज़ार रुपये आ रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास जो अभी भी पैसे आ रहे हैं कैश फ्लो, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, इसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी, उसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग। ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है कंपाउंडिंग, और डिस्काउंटिंग मतलब फ्यूचर से प्रेजेंट कैलकुलेट करना, फ्यूचर से पास्ट कैलकुलेट करना, वो हो गया हमारा डिस्काउंटिंग। ठीक है, चलिए, और बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल, ये मैंने आपको मॉड्यूल ए में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल ए की आप वीडियोज देखिए, वहाँ मैंने आपको ये सब बताया हुआ है अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है अ फर्म हैज टेकन टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, एक फर्म ने बैंक से टर्म लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, क्यों, क्योंकि फर्म को बिल्डिंग बनानी है। इट विल, इससे क्या एंट्री होगी, आपको असेट और लाइबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, क्या बढ़ेगी, कौन घटेगा, ऐसा करके आपको पूछ रहा है। चलिए, आपकी फर्म है, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो आपने उसके लिए लोन लिया। ठीक है, आपकी बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग में इतने सारे आपके ऑफिस हैं, तो अगर आप के पास कोई भी आपका असेट, बिल्डिंग क्या है, ये आपका फिक्स असेट है ना, आप लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ करोगे। आप कोई फर्नीचर खरीदते हो वो आपका असेट हो गया, कोई आप मशीन खरीदते हो वो असेट हो गया। असेट मतलब जिस चीज़ के हम मालिक हैं, जो चीज़ हमारी है, जिसको हम जब चाहे जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब हमारे होते हैं असेट्स। तो जब आपने कंपनी, आपकी कंपनी ने बैंक से लोन लेके एक बिल्डिंग बनाई, तो डेफिनेटली आपका असेट क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आपके पास एक बिल्डिंग नई, आपके पास बिल्कुल नई बिल्डिंग आ गई ना, तो आपका असेट इतना ज़्यादा बढ़ गया। साथ के साथ आपने क्या किया, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, ये आपने लोन लिया। टर्म लोन कौन सा होता है, जो लॉन्ग टर्म के 5 साल 10 साल 20 साल, इतने लंबे टाइम का रहता है, जिसको आप ईएमआई के फॉर्म में पे करते हो, वो सब होते हैं हमारे टर्म लोन। ऐसे एक होता है डिमांड लोन, डिमांड लोन मतलब जब बैंक चाहे डिमांड करेगा आपको उसी टाइम पूरा पैसा देना पड़ेगा, वो होते हैं डिमांड। ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लोन्स को हम डिमांड बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन को हम टर्म लोन बोलते हैं, मतलब जिनका अमाउंट भी ज़्यादा रहता है और टाइम पीरियड इनका ज़्यादातर बड़ा ही रहता है, 1 साल से ज़्यादा का ही रहता है। तो आपने लोन लिया, लोन क्या आपके लिए, लोन आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि लोन जो है हमें वापस करना है ये पैसा, तो आपने जब लोन लिया है तो डेफिनेटली आपको लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई है। ठीक है, असेट तो बढ़ा है क्योंकि आपके पास एक नई बिल्डिंग आ गई है, और लायबिलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि साथ साथ हमने लोन भी ले लिया उस पैसे का, लोन से तो हमने बिल्डिंग बनाई है और उसी लोन को हमें पे करना होगा। ठीक है, हमें उसको रिपेमेंट, उसको पे ऑफ करना होगा लायबिलिटीज़ को, इसीलिए आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई। सो ऑप्शन नंबर ए, आपका असेट भी बढ़ेगा क्योंकि बिल्डिंग आ गई, और लायबिलिटी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको लोन का पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, लायबिलिटी आपका लोन आपका लायबिलिटी हो गया ना, तो वो भी आपकी बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या बोला आपको, इसमें आपको फोरफिटेड का कंसेप्ट है। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा फोरफिट के बारे में बताऊंगी कैसे कैसे अमाउंट डिसाइड होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 17 देखा है तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा, ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा आपको बेसिक भी यहाँ बताते चलती हूँ। तो इसमें पहले बोला है अ कंपनी केम आउट विद अ पब्लिक इशू ऑफ 2 लाख शेयर्स। एक कंपनी ने पब्लिक इशू के 2 लाख शेयर्स आई है, मतलब 2 लाख शेयर पब्लिक में इशू किए हैं ऑफ 10 ईच, यानी एक शेयर का कॉस्ट है 10 रुपये। अभी क्या बोला है, पेबल एज एप्लीकेबल मनी। 10 रुपये कैसे पे करने, शेयर का जो 10 रुपये है एप्लीकेशन के टाइम पे आपसे 3 रुपये मांग लिए जाएंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे आपसे 3 रुपये मांग लिए जाएंगे, ठीक है। फाइनल कॉल 10 रुपये में से आपने एप्लीकेशन फ़ी 3 रुपये पे की, फिर आपको शेयर अलॉट हो गए, फिर आपने 3 रुपये पे किए, तो 3 + 3 यानी 6 रुपये, यानी इस 10 में से आप 6 रुपये पे कर चुके हैं, ठीक है, ये पेमेंट हो चुकी है। फाइनल कॉल अमाउंट हैज़ बीन, फाइनल कॉल क्या होगी, आपकी फर्स्ट कॉल आई ना उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल, पहले होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फिर होती है फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा मांग रहे तो उसको आप फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट और फाइनल। कितना बचा, 10 में से 6 दे चुके हैं तो बचा 4 रुपये, ये होगी आपकी फाइनल कॉल जिसको आप फर्स्ट एंड फाइनल बोल सकते हैं। हैज़ बीन कॉल्ड विच हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, तो आपने फाइनल कॉल की और आपको 4000 शेयर्स में लोगों ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, ठीक है, कितने में, 4000 शेयर्स में आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इफ़ द कंपनी डिसाइड टू फॉरफिट द पार्टली पेड, पार्टली पेड मतलब जिसका आधा पेमेंट हुआ है, यानी कि ये जो 4000 शेयर जिसका 6 रुपये तो मिल गया लेकिन 4 रुपये नहीं मिल पाया, तो उसको कंपनी ने डिसाइड किया कि फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट को हिंदी में बोलते हैं जब्त कर लेना, हड़प लेना उस चीज को, ठीक है। तो फॉरफिट से क्या लॉस है, जो 4000 शेयर होल्डर है जिनके शेयर्स अभी जब्त कर लिए कंपनी ने, तो उन्होंने जो 6 रुपये दिए ना, वो 6 रुपये आप भूल जाइए, कंपनी का एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, वहाँ पे कंपनी इस पैसे को ट्रांसफर कर लेगी। क्या अकाउंट रहता है, कैपिटल रिजर्व, तो ये कंपनी के लिए तरीके का प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि फ्री में उनको 6 रुपये मिल गए। वो जो शेयर्स है 4000 वो तो पब्लिक में कंपनी दोबारा से रीइशू कर देगी, है ना, और जो पैसा मिल गया था उन शेयर होल्डर से जिन्होंने आधा पैसा पे किया था, उस पैसे को कंपनी क्या करती है, उस पैसे को अपने अपना प्रॉफिट मान के चलती है उसको, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, ये इसका स्टोरी है। सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फोरफिटेड, तो कितना अमाउंट फोरफिट हुआ है, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये सब स्टेप्स कैसे चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था इससे पहले, एप्लीकेशन के बाद सेकंड आता है हमारा अलॉटमेंट, फिर आती है हमारी फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल, फिर आती है थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कहीं पे भी हो सकता है, देखो मान लो 10 रुपये, एप्लीकेशन पे मांगा 3 रुपये, लोगों ने 3 रुपये पैसा के पे किया और एप्लीकेशन भरा और उनको शेयर अलॉट हो गए, अलॉटमेंट पे मांग लिए 3 रुपये, कितने हो गए 6 रुपये। अभी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, अभी वो सारा पैसा अभी नहीं चाहती, कितने 4 रुपये बचे ना, एक पर्सन से 4 रुपये भी पेंडिंग है, 10 में से 6 गए 4, तो अगर उसको अभी सारे पैसे की जरूरत होती है वो बोलेगी चलो एक काम करो 4 रुपये अभी दे दो, खत्म, ठीक है। ये होगी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अब के बाद हम आपको दोबारा नहीं बोल सकते कि पैसा दो, क्यों, क्योंकि 10 का शेयर था और 10 रुपये हम आपसे ले चुके हैं। या कंपनी को अभी थोड़े पैसे की जरूरत है और अभी 2 महीने बाकी पैसा 2 महीने बाद चाहिए, तो क्या करेगी, 4 में से 2 रुपये बोलेगी अभी दे दो, बाकी के 2 रुपये की वो सेकंड कॉल करेगी और सेकंड कॉल बोलेगी बाकी के 2 रुपये दे दो। तो फाइनल कॉल किसके आगे लगता है, फाइनल कॉल तब लगता है जब उसके बाद कंपनी पैसा नहीं मांगेगी, मतलब जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मांगेगी तो उसके आगे फाइनल कॉल लगता है, ठीक है। तो अगर पहली कॉल में वो 4 रुपये मांग लेती तो नाम होता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन अगर सेकंड कॉल में अगर एक और कॉल करती जिसमें अमाउंट थोड़ा कम कर देती, मतलब 4 रुपये को 2-2 करके 2 कॉल में मांग लेती, तो होता सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ये बेसिक हो गया। और फोरफिट का भी आपको मतलब समझ में आ गया, फोरफिट में जो पैसा आप पहले से दे चुके हो, मान लो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की, अलॉटमेंट फ़ी पे की, या मान लो फर्स्ट कॉल भी फ़ी पे कर दी और सेकंड कॉल में भी आप नहीं आए, तब भी कंपनी जो आपने पे किया ना 3, 3, 6, 2, 8 रुपये अगर आपने पे किए होते, वो सारा कंपनी अपने पास फोरफिट कर लेती है, आपको ना तो शेयर मिलते हैं और ना जो आपने पैसा दिया वो मिलता है। तो आप सब अपना पुराना पैसा भी भूल जाइए, जो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे किया, और शेयर्स भी भूल जाइए, ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट रहता है, ये आपको इसे याद रखना है। तो चलिए और एक और बात बता होनी चाहिए, जो पैसा फोरफिट होता है ना वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, चला जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जो कंपनी प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा लेती ना, प्रीमियम मतलब शेयर्स का एक्स्ट्रा प्राइस लगाना, जब कंपनी में जब मार्केट में शेयर्स की अच्छी डिमांड है, तो वो पैसा भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, उसको भी बाद में वो अपना प्रीमियम अकाउंट करके रहता है उसमें ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर में बताया, ये तो सिर्फ एक टाइप के मॉक टेस्ट क्वेश्चंस है, तो ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे नहीं पता लगेगा, पर जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया। तो कितना पैसा फोरफिट हुआ, फोरफिट वो पैसा जो कस्टमर दे चुके हैं, तो कितने 4000 शेयर होल्डर है, ठीक है, तो 4000 है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4000, ये लिखा है 4000, और कितना पैसा 3 रुपये एप्लीकेशन में आया, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, फाइनल कॉल ही तो नहीं पे की ना इन्होंने और शेयर होल्डर ने 4000 ने, तो 3 और 3 6 रुपये, तो 6 रुपये कंपनी क्या कर चुकी है, मिल चुके हैं कंपनी को, 6 रुपये मिल चुके हैं।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 24,000। तो 24,000 कितना हो गया, फोरफिटेड अमाउंट हो गया 24,000। और जैसे मान लो 10 रुपये है ना, हाँ जो ये 4 रुपये पे नहीं किया ना, जो 6 रुपये पे किया तो फोरफिटेड हो गया, क्योंकि ये पैसा तो उनको मिलना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और जो बाकी के 4 रुपये, इसकी एंट्री हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे कॉल सिन एरर करके अकाउंट दिखाएंगे। कॉल सिन एरर का मतलब क्या हुआ कि हमने तो कॉल की पर आपने पैसा नहीं पे किया, तो वो क्या हो गया, अरियर हो गया। कॉल सिन एरर को हम दिखाएंगे। तो कोई पूछे कि कॉल सिन एरर अमाउंट कितना हुआ, तो 4 रुपये तो आया नहीं, ठीक है, और कितने शेयर पे नहीं आया, 4,000 पे नहीं आया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4,000 कितना है, 16,000। तो वो हो गया हमारा कॉल सिन एरर अकाउंट, ठीक है। कॉल सिन एरर क्या होता है, अगर कस्टमर पैसा नहीं देता अपने किसी भी कॉल का, तो उस पैसे को हम एक अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि हमें पैसा शो करना है ना, कहाँ से पैसा नहीं आया वो भी तो देखना है। तो कॉल सिन एरर नाम का अकाउंट रहता है, ठीक है। इसका डिटेल मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 17 में अच्छे से बता चुकी हूँ। चलिए, तो 24,000 इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। फोरफिटेड का अमाउंट कितना होगा, 24,000 हो जाएगा। नेक्स्ट